चलो भाई सब लोग ध्यान देंगे। तो मैंने आपको कल दिया था क्वेश्चन नंबर 4, बोला घर से क्या करके लाओ, होमवर्क। आई एम कमिंग टू योर डेस्क टू चेक योर होमवर्क, मीनवाइल गिव मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या समझ में आया, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंट बनाना था ना, तो सबसे आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा मशीन अकाउंट का? 78,432। कितने मशीन बेची आपने, एक या दो? दो। ये किसका आंसर है? क्लोजिंग बैलेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन की प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है पहली जो बेची, वो पहले वाले में क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कौन से ईयर में आया ये प्रॉफिट? 2022। कितने रुपए का? 2076। फिर लॉस आया क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कौन से साल में आया? कौन से साल में? तो ये प्रॉफिट भी 22 में और लॉस भी 22 में, एक ही साल में दोनों बेचे क्या? कितना है? 115। बस दैट्स इट, ये आंसर सबका आया। आर्यन है कि नहीं है? हाँ, क्यों नहीं किया? ये नहीं चलेगा, अब अगली बैच से मैं बैठने नहीं दूंगा। और किसने नहीं किया, रीजन, कारण क्या है? क्या बोला? हाँ, ये क्या कारण नहीं है, आधी संगाई सो तो रीजन नहीं, नहीं किया मतलब क्या, प्रिविलेज थोड़ी है नहीं किया, ये करना ही पड़ेगा वरना क्लास छोड़ दो। इधर रीजन, वो नहीं चलेगा भाई, बोल नए बच्चों का ठीक है, तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। उन लोगों को जब तक 2-3 बार क्लास से ना निकालो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कितना? 76,900। लॉस आया प्रॉफिट आया पहले मशीन पे, दोनों में? पहले मशीन में प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। कितना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन? 2,700। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है? सब कुछ डन, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग, नई चीज है। ऑन 1st January 2020 मशीन वॉज परचेज फॉर 80,000। ऑन 1/7/21 एडिशन वेयर मेड टू द अमाउंट ऑफ 40,000। ऑन 31/3/22 मशीन परचेज ऑन 1/7/21 कॉस्टिंग 12,000 वॉज सोल्ड फॉर 11,000। एंड ऑन 30/6/2022 मशीन जो परचेज की थी 1 January 2020 को, जिसकी कॉस्टिंग थी 32,000, उसको बेचा 26,700 में। ऑन 1/10/2022 एडिशन और की मशीन में 20,000 की। आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, असेट डिस्पोजल अकाउंट, कितने साल का? 3 साल का। डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को 10% से, कौन से मेथड से? WDV के मेथड से। आपको यहाँ पे बोला है कैलकुलेशन के लिए रेफर करो इलुस्ट्रेशन नंबर क्या, 4, पर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन डबल करूंगा और आप भी कैसे करोगे, डबल करोगे। चलो आपने करके रखा है तो आप पिछली वैल्यू मुझे पटापट बताओगे, आपने नहीं किया तो भी चलेगा, चलो मत करो। सिर्फ यहाँ पे अकाउंटिंग मेथड अलग है, डेप्रिसिएशन की मेथड और अकाउंटिंग मेथड में फर्क है। डेप्रिसिएशन की मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड हो सकती है, अकाउंटिंग की मेथड डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड हो सकती है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में यही फर्क है, डायरेक्ट मेथड में अपन डेप्रिसिएशन को डेबिट करके डायरेक्ट असेट अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते, तो असेट की वैल्यू ही क्या हो जाती है, कम। इनडायरेक्ट मेथड में अपन डेप्रिसिएशन को डेबिट तो करते पर क्रेडिट किसको करते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन लगता है, डायरेक्टली असेट अकाउंट में लगता नहीं है, इसलिए इस मेथड को कौन सी मेथड बोली जाती है, इनडायरेक्ट मेथड। तो चलिए हम सॉल्यूशन पे आएंगे, कितनी मशीनें बनानी है मुझे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स, यहां लिखूंगा M1, यहां लिखूंगा M2, यहां लिखूंगा M3, यहां लिखूंगा
एम फोर यहां लिखूंगा एम फाइव और यहां आएगी मेरी क्या टोटल। पहला साल कौन सा है 2020, कॉस्ट ऑफ परचेस बोलो कितनी है, एम वन की कितनी ली 22,000, इसको तो इसको बेच रहे अपन। दूसरा कितना आएगा फिर 80 में से 32 गया कितना 48,000। क्या इस साल में और कोई मशीन खरीदी है क्या, नहीं। इसका डेप्रिसिएशन बताओ कौन सी मेथड से, कितने परसेंट से 10% से। पूरे 12 महीने का लगेगा कि कम का लगेगा, कितना लगता है 32 पे 3,200 और इस पे 4,800। और कुछ है क्या इस साल में, नहीं। तो हमें क्या मिला इसका क्लोजिंग WDV, कितना मिला क्लोजिंग WDV कितना, और इसका 43,200। अब हम कौन से साल में आएंगे 2021 में। सबसे पहले शुरुआत कहां से करूंगा, ओपनिंग WDV से, कितनी 28,800 43,200। और कोई मशीन खरीद रहा क्या, हाँ। कॉस्ट कौन सी मशीन खरीद रहे, M3 और M4। M3 कितने की 12,000, M4 कितने की 28,000। इस पे क्या लगाऊंगा 28,000, इस पे क्या लगाऊंगा मैं डेप्रिसिएशन कितना पूरे 12 महीने का, इस पे कितने का पूरे 12 महीने का, इस पे कितने का 6 महीने का कितना 600, इस पे कितना 1,400। इस साल में और कोई एक्टिविटी हुई क्या, नहीं। तो मुझे क्या मिलेगी इसकी क्लोजिंग WDV कितनी 920, फिर 880, फिर 11,400 और 26,600। फिर कौन सा साल आएगा 2022, कहां से शुरुआत करूंगा ओपनिंग WDV से, कितना कितना 25,920, 4,320, 11 क्या, अच्छा 38,880, फिर 11,400, उसके बाद 26,600, उसके बाद इस पे क्या लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। M1 बेच रहा हूं तो बेचने की तारीख तक, और खरीदी उसकी कॉस्ट बता दो कितनी 20,000। हाँ तो लिखना तो वर्किंग में इधर ऊपर ही पड़ेगा ना। अब जो बेचा उसका M1 बेच रहे, बेचने की तारीख तक का डेप्रिसिएशन कितना 1,296, इसको बेच रहे क्या, नहीं। इसका पूरा 12 महीने का कितना, इसको बेच रहे क्या M3 को, इसको बेच रहे क्या, बेचने की तारीख तक का डेप्रिसिएशन 285, इसको बेच रहे क्या, नहीं 2660, इसको बेच रहे क्या, पर कब खरीदी थी, इस पे कितना 3 ही महीने का लग रहा है क्या, ठीक है। फिर इसका क्या निकालेंगे क्लोजिंग WDV, इसका कितना 24,624, इसका कितना, इसका कितना 100 एंड, इसका कितना 940, इसका कितना, इसमें से सेल प्राइस किसकी किसकी आएगी कितना 26,700 में बेचा, इसको बेचा क्या, नहीं। इसको बेचा क्या कितने में 11,000, इसको बेचा क्या, इसको बेचा क्या, नहीं। तो यहां पे क्या आया प्रॉफिट ऑन सेल कितना, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कितना, इस पे कुछ नहीं, इस पे चलो एनुअल फिगर्स बता दो। पहले साल के डेप्रिसिएशन की टोटल बताओ 8,000, पहले साल की क्लोजिंग WDV
जरूरत नहीं है, प्रोविजन का अकाउंट है। दूसरे साल का डिप्रिसिएशन की टोटल बताओ, 9,200। तीसरे साल के डिप्रिसिएशन की टोटल बताओ, 8,629। अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, अब हमें डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, पर उसका जो क्रेडिट है वो कौन से अकाउंट में नहीं डालना है, एसेट अकाउंट में नहीं डालना है, उसको उठा के कहां डालना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जिन्होंने कल होमवर्क नहीं किया वो सच में इतनी स्पीड से इसको समझ पाएंगे क्या? कम से कम किया होता तो आपको पता होता क्या गुल खिलाया इसमें। चलो लिखो इसके नीचे, अंडर इनडायरेक्ट मेथड, वी पास फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, कुछ नई जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, सबसे पहले परचेस ऑफ एन असेट, एसेट को परचेस करते वक्त क्या एंट्री पास करते हैं, एसेट अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। कि इसी क्वेश्चन के करके दो आपको फॉर्मेट से, अच्छा इसी क्वेश्चन की क्या पास करके देता आपको, जर्नल एंट्री 2020 की जर्नल एंट्री पास कर, डेट का कॉलम डाल दो। ट्वेंटी ट्वेंटी की पहली डेट बताओ कौन सी है, खरीदा कब, 1/1/2020। कितने रुपए में खरीदा मशीन बोलो, कितने में खरीदा, 80,000। मशीन है कि क्या है, बींग मशीन परचेस्ड, ठीक है। और क्या हो रहा है पहले साल में, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट, या डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट भी बोल सकते हो। तारीख कौन सी आएगी, 31/12/2020। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट, कितना है पहले साल का डेप्रिसिएशन, 8,000 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 8,000। साल खत्म हुआ, इस साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। इसका नरेशन आएगा बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, अब इसी तारीख को डेप्रिसिएशन को 31/12/2020 को हम एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट 8,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट।
8000 और नरेशन में लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब कौन सा साल आएगा? 21. 21 में क्या मशीन खरीद रहे हैं क्या? नहीं. सिर्फ क्या चार्ज कर रहे हैं उस पर? क्या चार्ज कर रहे? डेप्रिसिएशन. खरीद रहे क्या? कौन से तारीख को? 1/7/2021. क्या एंट्री पास करोगे? मशीन अकाउंट को डेबिट. कितने रुपए की? 40,000. टू नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग मशीन परचेस्ड. क्या इस साल कोई मशीन बेच रहे हैं क्या? नहीं. तो साल के आखिरी में 31/12/2021 को क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन. कैसा चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट. कितना लगेगा? 10,000. 10 है, बराबर है? देख के बताओ कौन था फिर 10 वाला? टू क्रेडिट किधर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. कितना? 9,200. नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड. डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करोगे? 31/12/2021 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट. टू डेप्रिसिएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट. नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग मेरे साथ चल रहे हो कि पीछे हो? साथ है सब? पक्का? वेरी गुड. ओके. अब कौन सा साल आएगा? हाँ, कोई मशीन पहले खरीद रहे क्या कि पहले बेच रहे? कौन सी तारीख को बेच रहे? 31/3/2021 की टू. टू क्या कर रहे हैं? मशीन को बेच रहे. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. जिस भी मशीन को हम बेच रहे उसकी एक कॉस्ट है जो कहां दिख रही है? मशीन अकाउंट. जिस भी मशीन को हम बेच रहे उसकी क्या है? एक कॉस्ट है जो कहां दिख रही है? मशीन अकाउंट. जिस मशीन को हम बेच रहे उसका अभी तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन भी है. कौन से अकाउंट में? कौन से अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. कौन सी मशीन बेच रहे? M1 बेच रहे. अच्छा, M1 खरीदी कितने की थी? 32. उस पे अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा? पहले साल का 3,200, दूसरे साल का 2,880 और बेचने की तारीख तक का 1,296. कैलकुलेटर उठा के तीनों की टोटल करो. पहले कौन सी बेच रहे? M1 की M3? M3 बेच रहे क्या? ठीक. M3 का अभी तक का डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना? 600. दूसरे साल का कितना? 285. और M3 की कॉस्ट कितनी थी? 1000. अब सुनो मेरी बात. इससे पहले कि अपन इस मशीन को बेचे, इस मशीन को बेचने के लिए इस मशीन को मेन अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दो. इसको हम बोलेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट. इसको करेंगे डेबिट.
ये कितने रुपए की मशीन थी, खरीदी हुई कॉस्ट कितनी थी? तो इस अकाउंट को करेंगे 12,000 से डेबिट और टू मशीन अकाउंट को 12,000 से करेंगे क्रेडिट। अब ऐसा क्यों किया? कुछ नहीं बोला, इसलिए किया कि जो मशीन बेच रहे वो तो मेन मशीन अकाउंट में पड़ी थी। जो मशीन बेच रहे वो कौन से अकाउंट में पड़ी थी? मेन अकाउंट। कौन सा बैलेंस था उसका? 12,000 का डेबिट बैलेंस। वहां से उसको निकाला, मतलब मेन मशीन अकाउंट को किया क्रेडिट और एक टेम्पररी अकाउंट बनाया जिसका नाम है असेट डिस्पोजल अकाउंट, कि ये मशीन हमने बेचने को निकाली है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 12,000। तो अब मशीन के दो अकाउंट बन गए, एक है बाकी की मशीन M1, M2, M4, M5 जो अभी भी पड़ी है, कौन से अकाउंट में? मशीन अकाउंट में। उसमें से एक मशीन निकल गई और टेम्पररी अकाउंट में गई, वो भी मशीन अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर उसका नाम क्या है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट या मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो आपके बैलेंस शीट में अभी दो मशीन के अकाउंट दिख रहे हैं, एक जो यूज में है बाकी की और एक जो बेचने के लिए निकाली है, कितने की? 12,000 की। नरेशन में क्या लिखेंगे? बींग मशीन अवेलेबल फॉर सेल ट्रांसफर्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कुछ नहीं है, एक जेब में पांच मशीनें रखी थी, एक जेब से निकाल के एक मशीन दूसरे जेब में रख दी। क्यों? क्योंकि इसको बाद के बाहर के बाहर क्या कर देना है? बेच देना है। अब सुनो, जैसे ये मशीन अपने मशीन अकाउंट में डेबिट बैलेंस में थी, वैसे इसका अभी तक का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के कौन से साइड में था? क्रेडिट साइड। अब ये मशीन बेच रहे तो असेट का असेट भी कम हो जाना चाहिए और उसका डेप्रिसिएशन भी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी वो मशीन, ना लगेगा उस पर डेप्रिसिएशन। तो अपन क्या करते हैं, फॉर टाइम बींग इस पे अभी तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन भी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? एसेट। तो हम एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट। अब इस मशीन का अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा था? पहले साल का 600, दूसरे साल का 285। एक बार वर्किंग में देखो बराबर है कि? कितना होता है? 885। और क्रेडिट करेंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट को, कितने से बेटा? 885। अब सुनो, मेरी बात सुनो, अपने आंखों के सामने असेट डिस्पोजल अकाउंट लाओ, टेम्पररी अकाउंट तो बनाना ही हमें, पर अगर हमारा असेट डिस्पोजल अकाउंट बनता तो कुछ ऐसा दिखता। इसके डेबिट में आ गए कितने? 12,000, और इसके क्रेडिट में आए कितने? 885। अब ये और कुछ नहीं, 12,000 में से 885 गए तो इसकी आज की WDV है कितनी आती हो? 11,150। तो इतने कॉस्ट की मशीन है, मतलब 12,000 में से उसका 885 डेप्रिसिएशन चला जाए तो वो मशीन आज 11,115 की है। बात समझ में? अब अगली स्टेप में जिस मशीन को बेचना है उसको मेन अकाउंट से निकाल लिया और असेट डिस्पोजल अकाउंट में डाला, उसका डेप्रिसिएशन भी मेन अकाउंट से निकाल लिया और कहां डाला? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। नरेशन में क्या लिखेंगे? बींग डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन एसेट अवेलेबल फॉर सेल ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जो मशीन बेचने के लिए निकाली उसकी कॉस्ट और उसके डेप्रिसिएशन को एक टेम्पररी अकाउंट में क्या कर दिया? ट्रांसफर। बराबर है? असेट डिस्पोजल अकाउंट का नेचर क्या है? ये एक रियल अकाउंट है जो आपकी मशीन का ही क्या दिखाता है? बैलेंस। अब उसमें आज के तारीख में कितने का डेबिट बैलेंस है? 11,115। मतलब जो असेट आप बेचने जा रहे हो उसकी बुक वैल्यू आज क्या है? 11,115। अब ऐसा करने से फर्क ये पड़ा कि जो मेन असेट का अकाउंट है उसमें अब कोई इफेक्ट देना नहीं है। जिस मशीन को बेचना था उसको आपने अलग अकाउंट में निकाल के अलग अकाउंट में डाल दिया, उसको टेम्पररी नाम दिया क्या? असेट डिस्पोजल अकाउंट। अब इस मशीन को बेचेंगे, कितने में बेच रहे हैं? तारीख कौन सी आएगी? 31/3/2022। इसी तारीख को इस मशीन को कितने में बेच रहे? 11,000 में। तो तारीख डालेंगे 31/3/2022 और एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। कितने में बेचा? 11,000 में। और क्रेडिट किसको करोगे? अब वो मशीन कौन से अकाउंट में है जिसको बेचा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में।
तो कैश कम्स इन, सॉरी बैंक बैलेंस इंक्रीजेस एंड मशीन गोज आउट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट 11,000. अब असेट डिस्पोजल अकाउंट पे ध्यान देंगे. बैंक को डेबिट किया असेट डिस्पोजल अकाउंट को 11,000 से, क्या किया आपने? क्रेडिट किया. अरे हाँ कि ना? अब इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचा कि क्रेडिट बैलेंस बचा? कौन सा बैलेंस बचा? डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस लॉस दिखाता है कि प्रॉफिट दिखाता है? लॉस. कितने का लॉस है? 115 का लॉस हुआ. अगर इसको बेचकर, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट को डेबिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट. एसेट अकाउंट ही है पर उसका पूरा नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट. करो फिर लॉस की. इसको पहले नरेशन देंगे. बींग मशीन अवेलेबल फॉर सेल सोल्ड, जो मशीन अवेलेबल थी सेल के लिए उसको हमने क्या कर दिया? बेच दिया. कितने रुपए में बेच दिया? 11,000. अब 12 में से 885 गए, 11,115 रुपए जिस मशीन की कीमत थी उसको कितने में बेचा? 11 में. तो इस पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस. 31/3/22 को एंट्री पास करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट को डेबिट 115 टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. बींग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. मशीन बिक भी गई और उसका लॉस भी प्रॉपरली क्या हो गया? अकाउंट फॉर हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट परफेक्टली एवरी वन? एनी डाउट? बोलो. हाँ, उसका डेप्रिसिएशन चालू साल का लगाना पड़ेगा. कितना? 285 का. हाँ, तो इसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले ही उसका क्या लगा देना चाहिए? डेप्रिसिएशन. मतलब बेच कब रहे, जब तक बेचा तब तक का क्या चार्ज किया? डेप्रिसिएशन. पर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री एक एंड में भी करो तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. एंट्री तो उसी साल में आ रही है. अब इस मशीन का 285 का अलग और बचा हुआ साल के एंड में अलग करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वर्किंग नोट में तो कैलकुलेट करके रखा है, एंड में उसकी एंट्री मारी तो भी चलेगा, उससे फर्क पड़ता नहीं. बात बराबर है? चलिए अब क्रोनोलॉजिकली अगर जाएंगे, जर्नल कैसे पास किए जाते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. बताइए, वैसे तो देखा जाए तो ये जो इसका लॉस वगैरह की एंट्री है ना, ये भी साल के आखिरी तारीख में पास की तो भी चलता. बेचने वाला क्या करता? ये कुछ भी नहीं करता. ये जो मशीन बेच दी ना, बैंक अकाउंट को डेबिट करता और असेट डिस्पोजल अकाउंट को क्या करता? क्रेडिट. उतनी एंट्री पास करके रखता साल के बीच में, और सारा प्रॉफिट लॉस और सारी एडजस्टमेंट कब की जाती है? जब अकाउंट को क्या किया जाता है साल के एंड में? फाइनल किया जाता है. हमने यहां पे भी किया, चलेगा, हो तो रही है 2022 में एंट्री. चलिए क्रोनोलॉजिकली 31/3/2022 के बाद कौन सी तारीख आ रही है? मशीन खरीदने की तारीख आ रही कि मशीन देखो बेचने की तारीख आ रही? और दूसरी मशीन बेचनी है, सेम एंट्री पास की जाएगी उसके लिए. पहले उस मशीन को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में. उसके डेप्रिसिएशन के प्रोविजन को भी कहां ट्रांसफर किया जाएगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में. बाद में उसको बेचा जाएगा, फिर उस पर प्रॉफिट होगा या क्या होगा? लॉस होगा. कर सकते हो? चलो फिर चालू हो जाओ. तारीख बता दो. 30/6 मतलब सितंबर नहीं होता? तो चलो एंट्री पास करेंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट. अच्छा, ये जो मशीन अब बेचने के लिए निकाली हमने, इसकी कॉस्ट हमारे बुक में कितनी थी? M3 थी कि M1 थी? M1. ये कितने रुपए की थी? 32. और वो मशीन अकाउंट में भी कितने में दिख रही है? 32 में, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन हमने अभी तक चार्ज किया ही नहीं है, वो तो अलग अकाउंट में किया. तो असेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट और टू मशीन अकाउंट को क्रेडिट. नरेशन में लिखेंगे बींग अनादर मशीन अवेलेबल फॉर सेल ट्रांसफर्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. अब इसको भी वहां पे, अब सिर्फ मशीन ट्रांसफर करने से नहीं चलेगा. आज एक्चुअली देखा जाए तो ये मशीन 32,000 की नहीं है. इस पे अभी तक का क्या लगा है?
डेप्रिसिएशन भी, तो इसका डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करेंगे कहां पे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। कैसी एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट। कितना डेप्रिसिएशन लगा था ये करना पड़ेगा, पहले साल का 3,200, 2,880 और 1,296 कितना होता है 7,377। चेक कर लो एक बार, तीन बार डेप्रिसिएशन लगा है, ये देखो यहीं पे दिखता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले साल का कितना लगा था 3,200, दूसरे साल का 2,880 और तीसरे हजार का 1,296। इसके डेप्रिसिएशन को भी कहां ट्रांसफर किया जाएगा, एसेट डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उस प्रोविजन अकाउंट को डेबिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट। बीइंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब इसका बनाओगे अगर आप, क्या बनाओगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और एक बार, ये तो पहला बन के वैसे भी क्लोज हो गया, बोलो ये मशीन के कितना बैलेंस ट्रांसफर हुआ 32,000, उसका डेप्रिसिएशन कितना ट्रांसफर किया, कितना आता है नेट वैल्यू इसका 24,624। अब इसको कितने में बेच रहे, बैंक को डेबिट होगा और इसको क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसमें 26,700 में बेच रहे, इतने में बेचने के बाद इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्रेडिट और इसको क्या, डेबिट। प्रॉफिट 115 इधर आते थे, कितना आया प्रॉफिट 2,076। क्या इसकी जर्नल एंट्रियां पास की जा सकती है, बेचो, पहले कितने में बेचो 26,700 रुपए। ₹30,06,2022 को बैंक अकाउंट को डेबिट होगा 26,700 और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट होगा 26,700। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग मशीन सोल्ड। इसके बाद इस पे प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट को क्रेडिट 30/6/2022 को, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन को क्रेडिट। कितना प्रॉफिट आया था बेटा 2,076। हो गया, अब ये मशीन भी बिक गई, इसका भी प्रॉफिट लॉस क्या हो गया, तय हो गया। अब साल के आखिरी दिन में पूरे मशीन का 31 परचेस की, उसकी तारीख बताओ 1/10/2022, बैंक अकाउंट को डेबिट 1/10/2022 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। फिर अगली मशीन खरीदो, कितने में खरीद रहे 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000।
बींग न्यू मशीन परचेस्ड, अब साल खत्म होगा 31/12/2022 को, सब पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। बोलो तीसरे साल का कुल डेप्रिसिएशन कितना है? 8629। टू क्रेडिट कहां इसका? इनडायरेक्ट मेथड है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8629। अमाउंट देख लो बरोबर, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। अब साल खत्म हुआ, तीन एंट्रियां पीएनएल में जाएगी। कौन सी तीन एंट्रियां? एक डेप्रिसिएशन, दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन और तीसरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो हम तीनों एंट्रियों को पास करेंगे 31/12/2022 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। एट सिक्स टू नाइन, पीएनएल को करेंगे डेबिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को करेंगे क्रेडिट। नेट भी कर सकते हो लॉस प्रॉफिट को मिला के। लॉस कितना था रे? कर सकते। कुमकुम को बड़ी जल्दी रहती कोई भी एंट्री की कंबाइन करने का। क्योंकि यहां पे लेजर बनाने हैं हमें, इसलिए हम क्या पास नहीं कर रहे? कंबाइन एंट्री पास नहीं कर रहे, लेजर बनाना है। क्वेश्चन में मैं तो जर्नल बना के दे रहा हूं, इन्होंने जर्नल बनाने के लिए पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है? लेजर। उसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट को करेंगे क्या? डेबिट। कितना प्रॉफिट हुआ था? 2076। और पीएनएल को करेंगे क्रेडिट। बोलो मेरे साथ साथ लिखना हुआ कि नहीं हुआ? पीछे छूटे हो क्या? और ये स्पीड आपको कहां लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा? ये स्पीड ही आपको आपकी डिग्री दिलाएगी। कौन सी? चार्टर्ड अकाउंटेंट की। बनना है कि नहीं बनना? सिर्फ फाउंडेशन पास करना है कि सीए बनना है? क्या इसके लेजर घर पे बना सकते हो क्या? क्या इसके लेजर घर पे बना सकते हो क्या? बना लोगे क्या? पक्का? क्या इसके बाद का क्वेश्चन कर सकते हो क्या? यही क्वेश्चन है। मेथड कौन सी है? डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी है? एसएलएम। अकाउंटिंग की मेथड कौन सी है? इनडायरेक्ट। फर्क है क्या? फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लेजर को आप होमवर्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्किंग आपके पास बनी हुई है, ठीक है, नहीं बनी तो बनाओगे। बनाने के बाद उसके जर्नल पास करने हैं तो करो, नहीं तो डायरेक्ट लेजर बनाए तो भी चलेंगे, क्योंकि लेजर ही बनाने हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ऑन 1 जनवरी 2021 हरिओम परचेस किया 6 मशीन 15,000 ईच की। कितनी मशीन परचेस किए? 6। एक एक मशीन कितने की थी? 15,000 की। टोटल कितने की हुई? 90।
हिज अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन इनिशियल कॉस्ट. इनिशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? SLM has been charged on profit and loss account and credited to separate depreciation provision account. बराबर है? On 1st January 22, one machine was sold for 12,500 and 1st January 23, a second machine was sold for 12,500. तो 6 में से M1 आएगी, M2 आएगी और M3 आएगी. An improved model which cost 28,000 was purchased on 22, तो M4 भी आएगा. The same rate of depreciation was decided for the new machine as well. You are required to show the asset account, asset disposal account, depreciation provision account. किया जा सकता है क्या? Working बनाओगे, account बनाओगे और calculation करोगे. कर सकते हो? Homework mark कीजिए question number 6 को, 7 को और 8 को. 9th number के question पे आएंगे. Raju commenced his business on March 22. He acquired some machine 2 लाख रुपए की on 1/4/22. He acquired another machine of 50,000 की 24 को. He sold machine. ओरिजिनल कॉज ही हो गया, वहां पे ओरिजिनल कॉज ही थोड़ी होता है. ओरिजिनल क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ विच वॉज 60,000. मतलब 2 लाख की मशीन में एक मशीन ऐसी थी जो कितने की थी? 60,000 की. और बाकी की मशीन कितने की थी? 1,40,000 की. 35,000 में. एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन 15% WDV बेसिस, कॉम्प्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेट टू द नियरेस्ट रूपी. पॉइंट में आया तो उसका क्या करना है? राउंड ऑफ करना है. मतलब पॉइंट कहीं पे लिखने नहीं है. मेथड कौन सी है? WDV. होमवर्क मार्क करेंगे. बस हो गए. अगला गवर्नमेंट ग्रांट का, ये मैं अलग बताऊंगा. ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? कर लोगे क्या? और कल बिना होमवर्क के आने का नहीं.